स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। सृष्टि और प्रलय ये किसका धर्म है? ये प्रकृति का धर्म है। सृष्टि और प्रलय किसके द्वारा होते हैं? ये प्रकृति के द्वारा होते हैं, ये प्रकृति के धर्म है। परिवर्तन इसका नियम है, शाश्वत नियम है। परिवर्तन की इसकी प्रक्रिया है। अनुकूलता और प्रतिकूलता इसका स्वभाव है। प्रकृति में सब कुछ हमारे अनुकूल हो ऐसा थोड़े ही संभव है, ऐसा नहीं होता। सब कुछ हमारे अनुकूल हो यह आवश्यक नहीं है। मानव शक्ति के बाहरे जगत काम कोई नहीं, बाहर है सो पुरुष का अमित शक्ति जेही माए। स्वरवेद की वाणी कहती है, विहंगम योग की वाणी कहती है, मानव में बहुत शक्ति है हाँ, लेकिन सर्वशक्तिमान थोड़े ही है। बहुत बड़ी शक्ति है मानव में, लेकिन सर्वशक्ति नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, अणु है, ये विभु नहीं है। जा पार्थिव शरीर के साथ है, ये अणु चेतना के साथ है, इसकी सीमा है, ये बंधन में है, इसकी सीमाएं हैं, इसकी रेखाएं हैं। और जीवन की गति, जीवन का यह प्रवाह चल रहा है। एक व्यक्ति का इस सृष्टि में संयोग है, यह जड़ और चेतन का। संयोग है यह पिंड और ब्रह्मांड का। संयोग है यह प्रकृति और परमात्मा का। तो उसके आधार पर इतना इतना सब कुछ चल रहा है, हाँ, इतना सब कुछ घटित हो रहा है। सब ईश्वर की माया है, प्रकृति भी ईश्वर की शक्ति है। मैंने कल कहा था, हाँ, माया माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। हाँ, माया, अरे ये माया, ये प्रकृति किसकी शक्ति है? अरे ये तो ईश्वर की शक्ति है। और जन क्या है? मनुष्य क्या है? ईश्वर का दास है। तो ईश्वर की व्यवस्था
संपूर्ण विश्व में कार्य कर रही है, प्रकृति की शक्ति कार्य कर रही है, प्रकृति में भी बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, प्रकृति में बहुत विशाल शक्ति है, बहुत महान शक्ति है। क्योंकि ये प्रभु की शक्ति है ना, है ना, प्रभु की शक्ति है, प्रभु की शक्ति है तो साधारण शक्ति होगी, महान शक्ति है, विशाल शक्ति है, अद्भुत शक्ति है प्रकृति के पास, प्रकृति के परमाणुओं में बहुत बड़ी शक्ति है। जिससे पदार्थ बनता है उसे ही हम प्रकृति कहते हैं, प्रक्रियते अनेति प्रकृति, जिससे पदार्थ बनता है उसी का नाम प्रकृति है। तो निमित्त कारण है यह सृष्टि का। कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी की आवश्यकता है, मिट्टी से घड़ा बनता है। यह सृष्टि निर्मित हुई है, हा, प्रकृति के द्वारा। प्रकृति का धर्म है सृष्टि और प्रलय, चेतन सत्ता का संयोग है, चेतन सत्ता का सहयोग है, चेतन सत्ता का समन्वय है, जिससे जड़ में क्रिया हो रही है। एको हम बहुश्यामः, तो ईश्वर की शक्ति है यह प्रकृति, ईश्वर की महानतम शक्ति है, विशाल शक्ति है, जिसका अनुभव हम आप सब करते हैं। इन जड़ शक्तियों में अद्भुत शक्ति है। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, ये पेड़ पौधे पहाड़ नदियां अपना कार्य कर रहे हैं, संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है, समस्त सौर मंडल ग्रह नक्षत्र तारा मंडल अपना कार्य कर रहे हैं। हमारा आपका जीवन सतत गतिमान रहे इसके लिए ये इतने पदार्थ कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन संसाधनों का जब दुरुपयोग होता है तो विषमता बढ़ने लगती है, तब उपद्रव बढ़ने लगते हैं। और आज हमें यह देखने में स्पष्ट रूप से प्राप्त हो रहा है, प्रकृति की शक्ति का दोहन हो रहा है बड़ी तीव्रता से, आज के इस वैज्ञानिक युग में, आज के इस भौतिक युग में, आज के इस औद्योगिक युग में, जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का धुआंधार दोहन हो रहा है, खनिज संपदाएं हो, भूगर्भ में जितने भी खनिज संपदाएं हैं सबका दोहन बड़ी तीव्रता से, या फिर वृक्ष लता औषधियां हैं सबका दोहन बड़ी तीव्रता से आज के इस भौतिक युग में, आज के इस भौतिकवादी युग में, आज के इस औद्योगिक युग में बड़ी तीव्रता से बढ़ रहा है। नदियां सूख रही हैं, जल का संकट बढ़ रहा है,
जल का प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु का भी प्रदूषण बढ़ रहा है, ध्वनि का भी प्रदूषण बढ़ रहा है। ये समस्त स्थितियां आज आज हमारे सामने हैं, दिख रही हैं, अन्न में, जल में, वायु में कितना प्रदूषण है, बीमारियां बढ़ रही हैं, कष्ट बढ़ रहे हैं, प्रकृति की शक्ति का दोहन हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। तो इस शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता है, संवर्धन की आवश्यकता है, प्रकृति के शक्ति के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है। विहंगम योग संस्थान इस दिशा में कार्य कर रहा है वृक्षारोपण के द्वारा। वृक्षारोपण के द्वारा इस शक्ति में समन्वय का प्रयास किया जा रहा है विहंगम योग संस्थान के द्वारा। यज्ञ हवन की हमारी परंपरा चल रही है, बता रहे हैं वैज्ञानिक, पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो हवन यज्ञ को बढ़ावा देना होगा। और विहंगम योग संस्थान हवन यज्ञ को प्रमुखता से स्थापित कर रहा है, न केवल आध्यात्मिक पक्ष को दृढ़ कर रहा है बल्कि लौकिक जीवन के लिए एक अद्भुत कार्य संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। बाहर का प्रदूषण दूर होता है यज्ञ के द्वारा, न केवल आंतरिक प्रदूषण बल्कि बाह्य प्रदूषण, बाहर का प्रदूषण, जो प्रदूषण वायु में है वह प्रदूषण दूर होता है। अनेकानेक लाभ हैं, प्रकृति की शक्ति को संवर्धित करना, इसका संरक्षण करना, इसका संवर्धन करना हम सबका दायित्व है। हम इस सृष्टि में हैं, हम इस संसार में हैं, हम अपने कर्तव्य से, अपने दायित्व से अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। तो वृक्षारोपण सबको करना चाहिए, हम सब भी वृक्षारोपण करते हैं, जिस जहां भी जाते हैं वृक्ष जरूर लगाते हैं, और वृक्ष लगा कर छोड़ देना भी नहीं है। वृक्ष पल्लवित हो, वृक्ष पुष्पित हो, हाँ इसका भी ध्यान रखना चाहिए। वृक्षारोपण बड़ा ही पुनीत कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। हाँ, शुद्ध वायु मिलती है, ऑक्सीजन देते हैं वृक्ष। तो ये सब कार्य हैं, बड़े आवश्यक कार्य हैं, प्रकृति के संरक्षण का। जलवायु के संरक्षण का, जिस पृथ्वी पर हैं, जिस संसार में हैं, उस संसार को ठीक रखना, स्वच्छ रखना हमारा ही तो दायित्व है, हमारा ही तो कर्तव्य है। स्वच्छता भी बहुत जरूरी है, निरर्थक गंदगी फैलाना बहुत बुरा, बहुत बुरी चीज है। स्वच्छ रहना प्रथम ही शुद्धाचार है। देह वस्त्र स्थान यह पवित्र नित राखिए, शुद्ध धान्य जलपान। ऐसी चीजें हैं जिनका जीवन में निश्चित रूप से पालन करना चाहिए, अनिवार्य तत्व हैं, अपरिहार्य तत्व हैं।
हम इस सृष्टि में हैं, हम इस संसार में हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे साथ। तो वृक्षारोपण अनिवार्य, संरक्षण के लिए, शुद्ध वायु के लिए। यज्ञ हवन अनिवार्य वस्तु। पृथ्वी के लिए श्रेष्ठतम कर्म है यह, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। कर्म किए बिना हम थोड़े रह सकते हैं। कर्म किए बिना हम नहीं रह सकते। आत्मा सदैव अपना काम कर रही है, प्राण प्राण सदैव अपना काम कर रहा है। जब हम सुसुप्ति अवस्था में हैं, गाढ़ी निद्रा, पूर्ण निद्रा, उस समय में भी प्राण आत्मा अपना काम कर रहे हैं। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता था। हम प्रतिपल कर्म कर रहे हैं। मानव जीवन ही कर्मों का कोष है, समूह है, कर्माशय है। कर्मों के कोष को ही आप कह दीजिए मानव जीवन, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई गड़बड़ थोड़े ही है। कर्मों का कोष ही है मानव जीवन। हाँ, कर्म का यह प्रवाह है, कर्म की यह धारा है। शरीर के स्तर से, मन के स्तर से, वाणी के स्तर से, इंद्रियों के स्तर से। कल मैंने कहा था ना, ये अभी वाणी का प्रयोग किया नहीं और क्रिया में कर्म नहीं है, मन से ये संकल्प कर रहे हैं उस समय में भी कर्म हो जा रहे हैं। ये भी मामला है। वाणी से कुछ भी भाव व्यक्त नहीं हुआ, वाणी से कुछ भाव व्यक्त नहीं हुए हैं, क्रिया में कर्म नहीं है, लेकिन मन में वह संकल्प है, तो तत्क्षण ही एक प्रकार का कर्म उपस्थित हो जा रहा है, शुभ रूप में, अशुभ रूप में, जिस भी प्रकार का, जैसा हम आप सोच रहे हैं, जैसा हमारा आपका संकल्प है। जैसा भी हमारा संकल्प है, शुभ रूप में, अशुभ रूप में, धर्म रूप में, अधर्म रूप में, पाप रूप में, पुण्य रूप में, विधि रूप में, निषेध रूप में, जैसा है, जिस भी प्रकार का है, तत्क्षण ही वह एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर देता है। तो क्लेश मूल है इन कर्माशयों का, जो इस जीवन में और आगे आने वाले जीवन में प्राप्त होते हैं। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः। क्लेश मूल है इन कर्माशयों का, जो इस जीवन में और
आगे आने वाले जीवन में प्राप्त होते हैं। क्योंकि कर्मों का एक कोष है, कर्मों का एक भंडार है, हाँ, जिसे हम कहते हैं कर्माशय। हाँ, कर्मों का कोष है, एक भंडार है, जिसे हम कहते हैं कर्माशय, जो इस जीवन में और आगे आने वाले जीवन में फलदायी होता है। हाँ, उसका फल प्राप्त होता है, वह फलोन्मुख होता है। और ये कर्माशय बना कहाँ से? तो ऋषि ने कहा, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। क्लेश मूल है अविद्या से, क्लेशों में प्रधान है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो जिसके आधार पर ये समस्त कर्म के फल प्राप्त हो रहे हैं इस जीवन के लिए और आगे आने वाले जीवन के लिए प्राप्त हो रहे हैं। कर्माशय हैं जो इस जीवन में और आगे आने वाले जीवन में प्राप्त होते हैं। मूल क्या है? क्लेश है। हाँ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश हैं। तो ये प्रवाह चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। देखिए, जैसे जैसे सृष्टि और प्रलय का ये क्रम चल रहा है, सृष्टि हो रही है, प्रलय हो रहा है। हाँ, सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है, सृष्टि हो रही है और प्रलय हो रहा है। वैसे ही बद्ध आत्माओं का भी क्रम चल रहा है। एक शरीर को प्राप्त किया, मां के गर्भ को धारण किया। हाँ, एक एक शरीर को प्राप्त किया। हाँ, कर्म फल भोग संस्कार वासनाएं वो प्राप्त किया, शरीर का काम तमाम, पुनः नया शरीर प्राप्त हुआ। ऐसे ही गाड़ी चल रही है, ऐसा ये क्रम चल रहा है, ये क्रम चल रहा है। जैसे जैसे सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है, वैसे ही बद्ध आत्माओं का भी एक क्रम चल रहा है। ये साइकिल तो चल रही है, अनादिकाल से चल रही है साहब। भिन्न भिन्न शरीरों के साथ यह गुजर रही है आत्मा, नाना प्रकार के शरीरों के साथ गुजर रही है। सबके अपने कर्म हैं, सबके अपने भोग हैं, सबके अपने संस्कार हैं, सबकी अपनी स्थिति है, और सब सब अपनी स्थिति में दृढ़ हैं, सब अपनी स्थिति में स्थित हैं, सब उसमें चल रहे हैं, सब उस प्रवाह में स्थित हैं। कर्म का ये संसार है, कर्म से ही आयु, जाति और भोग प्राप्त हो रहे हैं। ये प्रवाह है जो अनादिकाल से चल रहा है। कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि,
बंधन में सब जीव हैं, तीन प्रकार की ग्रंथि। हाँ, स्वर वेद ने कहा, सदगुरु ने कहा कि तीन प्रकार की ग्रंथि है। हाँ, तीन प्रकार की ग्रंथि है, बंधन में डालने वाले, फांसी लगाने वाले, तीन प्रकार के तत्व हैं। तीन प्रकार के कारण हैं जो बंधन बंधन को उपस्थित करते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? अविद्या का है, अज्ञानता का है, मिथ्या ज्ञान का है, झूठ का है, असत्य क्या है, सबसे बड़ा कारण। दूसरा क्या है? जड़ चेतन का संयोग। तीसरा क्या है? कर्मों का ये बंधन। सबसे प्रमुख कारण वही अविद्या आती है बारंबार, अविद्या मिथ्या ज्ञान, वही दुख का कारण है, वही क्लेशों का कारण है। क्लेशों में मूर्धन्य है, प्रथम है अविद्या का क्लेश। दूसरा जड़ चेतन का संयोग, और तीसरा क्या है? कर्मों का बंधन। शरीर है तब कर्म का संपादन होगा, कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म है, फल है, उसके भोग हैं, संस्कार हैं, उसकी वासनाएं हैं, उसके विपाक हैं, इतना सब कुछ कर्म के साथ चलता रहता है। बहुत सारी चीजें हैं जो कर्म के साथ चल रही है। ईश्वर इन सब से पृथक है। हाँ, क्लेश से, कर्म से, उसके विपाक से और उसके आशय से सर्वथा संपृक्त है, सर्वथा अलग है, सर्वथा भिन्न है। मानव शरीर में है, मानव जीवन में है, तो इतनी सारी चीजें उसके आगे पीछे घूम रही हैं, इतनी सारी चीजों के साथ वह अपने जीवन में है, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। बहुत व्यापक क्षेत्र है कर्म का, बहुत गहन क्षेत्र है, बहुत गहन गति है इसकी। गहना कर्मणो गति, बड़ी गहन गति है कर्मणो, कर्म की बड़ी बड़ी गहन गति है, बड़ी सूक्ष्म गति है, बड़ी व्यापक गति है। जन्म और मरण, सुख और दुख, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य, आवागमन, जन्म मरण, ये सब कुछ, इतना सारा सब कुछ कर्म के द्वारा ही तो हो रहा है, कर्म से ही तो बंधन हो रहे हैं। देखिए, ज्ञान और कर्म के समन्वय से ये शरीर चल रहा है, ये विश्व चल रहा है, और बंधन को भी प्राप्त हो रहा है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कर्म ही पूजा है। हाँ, कहते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म कर्तव्य है। हाँ, लेकिन साहब
कर्म की एक 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 बड़ी विशिष्ट यात्रा भी है। कर्म को ही आप पूजा और उससे बढ़कर फिर भक्ति भी कह दें तो ये उचित नहीं प्रतीत होता। तो फिर कर्म ही पूजा है तो बंधन किससे है, ये भी तो बात आएगी, ये भी तो मामला प्रकट होगा। कर्म ही पूजा तो बंधन किससे, बंधन किससे होगा? हाँ, कर्म अनिवार्य है, अपरिहार्य है, आवश्यक है, और श्रेष्ठ शुभ कर्मों का निश्चित रूप से संपादन होना चाहिए। लेकिन कर्तव्य भाव से आप अपने कर्तव्य कर्म का पालन करिए। कर्तव्य कर्मों का त्याग हम नहीं कर सकते, हम शरीर में हैं, संसार में हैं, तो कर्तव्य कर्मों का हमें पालन करना है। लेकिन पूजा और भक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है वह इससे भिन्न है, बड़ा विशिष्ट स्वरूप है, बड़ा बड़ा अद्भुत स्वरूप है। कर्म से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, कर्म से, कर्तव्य से, पुरुषार्थ से, लेकिन इसके यथार्थ को, इसकी वास्तविकता को सदैव आत्मसात करने की जरूरत है, सदैव ये जानने की जरूरत है कि वह विधि, वह कला, वह मार्ग, वह रास्ता किस प्रकार प्राप्त हो, कैसे उसका अनुभव हो कि कर्म करते हुए उसके फल बंधन से हम आजाद हो जाएं। और ये भी मात्र कहना पर्याप्त नहीं है कि मैं कर्म फल के त्याग के साथ अपने कर्म का संपादन कर रहा हूं। बहुत से व्यक्ति यह कहते हैं कि मैं फल की इच्छा के त्याग के साथ कर्म कर रहा हूं। फलेच्छा का त्याग है, फल की इच्छा के त्याग के साथ मैं कर्म का संपादन करता हूं, ऐसे अनेकानेक व्यक्ति कहते सुने जाते हैं। तो केवल मानसिक संकल्प के आधार पर भी यह संभव नहीं हो पाता कि मैं फलेच्छा के त्याग के साथ कर्म कर रहा हूं। उस भूमि में पहुंचना होता है, हाँ, उस भूमि में दृढ़ होना होता है। कर्म फल के त्याग की वह उच्च भूमि क्या है, एक विहंगम योगी इसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। बहुत गहन विषय है, बहुत गहन गति है कर्म की, इसके रहस्य की, इसके फल की, इसके विपाक की, इसके आशय की, कर्माशय की, क्लेशों की। चलते हैं अब हम स्वर वेद में, अवसर देता हूं आप सबको, मैं जोड़ देता हूं स्वर वेद से, तन्मय होकर आप सभी स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करें। ये अमोघ वाणी है, साक्षात कृतधर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है, ये सद्गुरु की वाणी है, ये स्वर वेद की वाणी है। आप सभी इन दिव्य वाणियों का तन्मय होकर श्रवण करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे।
जग स्वभाव विविध सृष्टि बहु कर्म गुण भोग विभाग स्वभाव जन्मत ही यह प्रकट है पूर्व जन्म कर भाव जन्मत ही यह प्रकट है पूर्व जन्म कर भाव कर्म से आयो जाती है कर्म से भोगत भोग कर्म से आयो जाती है कर्म से भोगत भोग कर्म विपाक न छूटई कर्म न संस्रित रोग कर्म विपाक न छूटई कर्म न संस्रित रोग कर्म इस देह का कारण यौगिक भोग पूर्व कर्म इस देह का कारण यौगिक भोग तीन भोग भोगता केवल पूर्वन भोग तीन भोग केवल पूर्वन भोग। ये वाणियां कर्म के इसी गहन स्वरूप को प्रकट करती हैं। ये सद्गुरु की वाणियां, ये स्वर वेद की वाणियां। सदगुरु ने कहा ये केवल पूर्व के कर्मों का ही फल नहीं भोग रहा है, ये केवल पूर्व के कर्मों का फल नहीं भोग रहा है। पूर्व कर्म इस देह का कारण यौगिक भोग, पूर्व कर्म के साथ क्या है, हाँ ये कारण और यौगिक इन दोनों भोगों को ये साहब भोग रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें एक एक मानव के साथ है, हम सबके साथ हैं, हमारे आपके साथ हैं। प्रारब्ध का साथ है,
पूर्व कर्म क्या है उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। हाँ प्रारब्ध, हाँ प्रारब्ध है ये शरीर है। हाँ प्रारब्ध के साथ ही ये शरीर है। कारण क्या है? अविद्या कारण है। कारण भोग तो वही है। हाँ एक भोग तो वह है प्रमुख जिसे हम कहते हैं कारण भोग। और यौगिक भोग क्या है? जड़ चेतन का संयोग। शरीर जड़ आत्मा चेतन दोनों का संयोग यह यौगिक भोग है। तीन प्रकार के ये भोग प्राप्त हो रहे हैं। प्रारब्ध का फल प्राप्त होता है पूर्व कर्म है इस देह का। पूर्व कर्म इस देह का कारण यौगिक भोग। तीन भोग यह भोगता केवल पूर्व न भोग। तो प्रारब्ध के साथ भी बहुत सारी स्थितियां एक व्यक्ति के पास उपस्थित हैं। हाँ वो प्रारब्ध के साथ हैं। इसीलिए हाँ एक सिद्धि जिसका नाम क्या है? जन्मजा सिद्धि। वह सिद्धि जन्म के साथ उस व्यक्ति के पास उपस्थित है। हाँ सबका अपना अपना प्रारब्ध है। सबके अपने अपने भोग हैं। सबके अपने अपने कर्म हैं। सबके अपने अपने भाव हैं। सबके अपने अपने संस्कार हैं। सबकी अपनी अपनी स्थितियां हैं। और सभी अपनी उसी स्थिति में जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कर्म का सिद्धांत है। इसमें कोई उलटफेर नहीं है। ये ईश्वर का विधान है। कर्माध्यक्ष है ईश्वर। कर्म फल प्रदाता है ईश्वर जो जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। प्रारब्ध का फल आत्मा को प्राप्त होता है। तो सब अपनी स्थिति में जी रहे हैं। सबके अपने प्रारब्ध हैं। सबके अपने कर्तव्य हैं। सबके अपने कर्म हैं। सबके अपने संस्कार हैं। सबके अपने भोग हैं। सबके अपने स्वभाव हैं। सब अपने स्वभाव में स्थित हैं। कर्म का इतना बड़ा संसार है। सबका चिंतन सबका विचार सबका भाव और सबकी स्थितियां भिन्न भिन्न हो जाती हैं। बहुधा अनेकों की एक भी हो जाती हैं। ये सब कर्म की स्थितियां हैं। कुछ बिंदुओं पर एक हैं कुछ बिंदुओं पर अलग हैं। स्वभाव विपरीत हो जाते हैं। स्वभाव बदल जाते हैं। तो ये सब कर्म का स्थान है। ये सब कर्म की भूमि है। जन्म औषधि मंत्र तपह समाधिजा सिद्धयः।
जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि की सिद्धि होती है। हाँ, एक सिद्धि जन्म के साथ प्राप्त है। जन्म के साथ कैसी सिद्धि, एक बालक के पास क्या सिद्धि हो सकती है? तो यह पूर्व का उसका प्रारब्ध है। हाँ, पूर्व का उसका श्रेष्ठ प्रारब्ध है, पूर्व का उसका श्रेष्ठ कर्म है, जो उसे इस जीवन में ऐसी स्थिति में ला के रख देता है। ऐसे ही थोड़े मिल जाता है, ऐसी स्थिति में वह आकर यहां इस जीवन में प्रकट हो जाता है। इसीलिए ऋषि ने कहा, जन्म औषधि मंत्र तपह समाधि जा सिद्ध यह। जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि की सिद्धि होती है। जन्म के साथ वह स्थिति सहज रूप से उसके साथ है, क्योंकि पूर्व में इतनी कमाई कर चुका है वह। आगे न बढ़ेगा कि बैक गियर लेगा, पीछे जाएगा कि आगे जाएगा? जितना काम कर चुका है फिर बैक गियर लेगा कि आगे जाएगा? आगे बढ़ेगा? तो वो सिद्धि जन्म के साथ उसके पास सहज रूप से विद्यमान है। हाँ, सहज रूप से विद्यमान है। आत्मा के साथ वो सारे संस्कार सहज रूप से उसके पास स्थित हैं। प्रथम सिद्धि कहा ऋषि ने, जन्म की सिद्धि। हाँ, जितना कर चुका है इस जीवन में, जो बाकी है उसे पूरा करने आएगा। अब जो कर चुका है फिर दोबारा थोड़ी करेगा, जितना करना था इस जीवन में कर चुका, फिर आया है जो बाकी था उसे पूरा करने के लिए। प्रथम सिद्धि क्या है? जन्म की सिद्धि। दूसरी क्या है? कहा ऋषि ने कहा, औषधि की सिद्धि है। औषधियों से भी सिद्धि प्राप्त की जाती है। औषधिजा सिद्धि है, जो सिद्धि औषधियों से भी उत्पन्न होती है। एक एक मंत्रों की सिद्धि है, जो मंत्र से उत्पन्न होती है। एक तप की सिद्धि है और एक 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 समाधि की सिद्धि है। कितने प्रकार की सिद्धि हुई? हाँ, पांच। जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि, ये पांच प्रकार की सिद्धियां हुई। पांच का कितना मामला परफेक्ट है, पांच बार बार आ जाता है। कितना है? पांच है ना? तब पांच ज्ञान की इंद्रियां, पांच कर्म की इंद्रियां। हाँ, हमारे आपके शरीर में पांच ज्ञान की इंद्रियां, पांच कर्म की इंद्रियां, पंच प्राण हमारे शरीर को चला रहे हैं, पांच उप प्राण हमारे शरीर को चला रहे हैं, पंच भूत हैं, पंच तन मात्राएं हैं, पंच शब्द हैं, पंच आश्रम हैं, पंच तीर्थ हैं, पंच भूमि है। विहंगम योग की साधना की कितनी भूमि? पांच भूमि। पांच का मामला कितना चकाचक है। पंच तीर्थ हैं, पंच आश्रम है, पंच ज्ञान की इंद्रियां, पंच कर्म की इंद्रियां, पांच घी की आहुति, पांच आली आहुति देव के बाद घी में। पंच घृता होती, पांच बार घी किया होती। पंच कोश है, हाँ, पंच शब्द है, निरंजन ओम सोहम शक्ति रम।
सिद्धि भी पांच है, हाँ सिद्धियां भी पांच प्रकार की। ऋषि ने कहा जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि की सिद्धि है। जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धय, जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि की सिद्धि होती है। तो जन्म का संबंध कर्म से है। हाँ, कर्म से ही आयु है, कर्म से ही जाति है, कर्म से ही भोग है। जाति का अर्थ यहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से नहीं है, जाति का अर्थ यहां मानव जाति एवं इतर अन्य योनियों से है। ये सब कर्म से संबंधित हैं। जन्म से वह सिद्धि प्राप्त है क्योंकि पूर्व का उसका प्रारब्ध है, उत्कृष्ट कर्म है, पूर्व की ऐसी स्थिति है उसकी जो वर्तमान में सहज रूप से उसके पास स्थित है और वर्तमान में भी उसका श्रेष्ठ कर्म है, तो ये स्थितियां बड़ी विशिष्ट हो जाती हैं। तो प्रारब्ध आया कहां से है, ये प्रारब्ध कहां से आता है? प्रारब्ध आया है संचित कर्मों में से। संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में आते हैं जिनका इस शरीर से, इस जीवन से भोग कर लिया जाना है, उतना ही मिलेगा, उतना ही प्राप्त होगा। सीधी सी बात है, सीधा सा मामला है। संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं जिनका इस जीवन में भोग कर लिया जाना है, उतना ही प्राप्त होगा। सब निश्चित है, जितना इस शरीर से प्राप्त होना है वो प्राप्त होकर रहेगा। शरीर के साथ जितना निर्धारित हुआ है, संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं जितना इस शरीर से भोग लिया जाना है, जितना इस जीवन से संबंधित है। क्रियमाण कर्म है, वर्तमान कर्म है। जो कर्म हम प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए कर रहे हैं, जो कर्म प्रारब्ध के वशीभूत होकर कर रहे हैं, दैनंदिन दिनचर्या के जो कर्म हैं, ये समस्त कर्म क्रियमाण कर्म की श्रेणी में। संचित कर्म स्थित हैं। उसी में से प्रारब्ध आता है, उसी में से प्रारब्ध आया है इस जीवन तक के लिए आ गया है। कोष बन रहा है कर्मों का, कर्माशय का कोष बन रहा है। कर्म के संस्कार एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। सबकी अपनी एक भूमि है, सबका अपना एक मंडल है और सब फलदायी होते हैं। कुछ कर्मों के फल इसी जीवन में प्राप्त हो जाते हैं, कुछ कर्मों के फल आगे आने वाले जीवन में प्राप्त हो जाते हैं।
अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जिस भी प्रकार का जैसा कर्म है वह फल उपस्थित कर देता है। तो मानो जिस भी रूप में कर्म करता है, शुभ रूप में, अशुभ रूप में, पाप रूप में, पुण्य रूप में, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है इस जीवन में या आगे आने वाले जीवन में, बच नहीं सकता। कर्माशय में चला जाएगा, फिर आगे आने वाले जीवन में प्राप्त होगा, शरीर से प्राप्त होगा, तो कर्म से ही ये सारे भोग और ये सारी स्थितियां आत्मा के साथ है। और आत्मा इन कर्मों के फल को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर है। हाँ, अतत निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वा स आत्मा। जो निरंतर कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है उसी को आत्मा कहते। जो निरंतर कर्म फलों को प्राप्त करती रहती है उसी का नाम आत्मा है। जो निरंतर गमन करती है, उसके पास इच्छा है, ज्ञान है, प्रयत्न है, वही आत्मा है। ये निरंतरता है आत्मा की। आत्मा अपने कर्म फल भोगों को प्राप्त करती है और ईश्वर कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है। आत्मा बच नहीं सकती, आत्मा प्राप्त कर लेती है, करेगी, फल प्रदाता ईश्वर है। ये क्रम चल रहा है, ये सारा संसार चल रहा है इसी कर्म से, इसी फल से, इसी बंधन से। बहुत बड़ा साम्राज्य है कर्म का, कर्म का साम्राज्य, जगत व्यापी साम्राज्य है। तो कर्म प्रकृति के अनुकूल हो, औरों के हित में हो, समाज के हित में हो, प्रथम इसकी अनिवार्यता है, प्रथम इसकी आवश्यकता है। आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न होना चाहिए, सीधी सी बात है। भीतर में आवाज आती है, अच्छा है, क्या बुरा है, क्या शुभ है, अशुभ है, एक मानव को सहज रूप से ये ज्ञान है। हाँ, इतना तो समझ में आ जाता है, ये गड़बड़ है, ये अच्छा है, ये शुभ है, अशुभ है। इन स्थितियों से सहज रूप से वह वाकिफ है, जानता है इसे। आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न होना चाहिए। जब आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है तब व्यक्ति का कर्म कर्म नहीं रहता, वह धर्म बन जाता है। वह कर्म नहीं रहता, वह धर्म बन जाता है। जब व्यक्ति आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न कर लेता है, मन संयमित नहीं है, मन नियंत्रित नहीं है, तब ये भीतर की ध्वनि भी नहीं सुन सकता, आत्मा की ध्वनि को भी नहीं सुन सकता। सीधी सी बात है, आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य, भीतर की आवाज, भीतर की ध्वनि, आंतरिक ध्वनि, जिसे हम कहते हैं अंदर की आवाज, अंतरात्मा की आवाज, उसे सुनने का सामर्थ्य अवश्य उत्पन्न होना चाहिए। एक विहंगम योगी सदैव इस स्थिति में दृढ़ रहता है, भीतर की आवाज पर चलता है, आत्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज पर चलता है। जो कुछ भी करेगा
शुभ होगा। उसका कर्म कर्म नहीं रहता, उसका कर्म क्या हो जाता है, उसका कर्म धर्म बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है, पुण्य बन जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, शुभ कर्मों का सृजन होना चाहिए। प्रारंभ में इसी की अनिवार्यता है, यज्ञ हवन हम इसीलिए करते हैं, यज्ञ वै श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ संसार में किए जाने वाला सबसे श्रेष्ठतम शुभ कर्म है। और जिस प्रकार संसार का श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है, उसी प्रकार संसार में जो भी हम श्रेष्ठ करते हैं, आत्मा की ध्वनि पर करते हैं, वो सब भी तो यज्ञ होता है, उसका भी नाम यज्ञ है, वह भी यज्ञ है। सेवा सत्संग साधना यह भी यज्ञ है, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यह भी यज्ञ है, प्रेम न्याय दया क्षमा करुणा सद्भावना मैत्री करुणा सहिष्णुता सहजता विनम्रता, ये सब भी तो यज्ञ हैं, यज्ञ से भिन्न नहीं है। जो कुछ भी श्रेष्ठ है, पवित्र है, उसी का नाम यज्ञ है, वही श्रेष्ठतम कर्म है। श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है और यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, ये दोनों बातें हैं, ये दोनों बातें एक साथ है। जो कर्म प्रकृति के अनुकूल है, यज्ञ कर्म प्रकृति के अनुकूल है, हमारे हित में है, सबके हित में है, केवल हमारे हित में नहीं, संपूर्ण विश्व की मानवता के हित में है, संपूर्ण विश्व के कल्याण का साधन है। एक शुभ है, एक अशुभ है, एक अच्छा है, एक बुरा है, एक मिक्सचर है, दोनों का मिक्स है, शुभ अशुभ मिश्रित है। और एक न शुभ है न अशुभ है, न शुभ अशुभ मिश्रित है, एक का मामला ऐसा है। हाँ, एक कर्म कैसा है, अच्छा है, गुड है, हाँ बढ़िया है, शुभ है, हाँ शुभ कर्म है, बढ़िया है। एक कर्म गड़बड़ है, अशुभ है, अपवित्र है, कृष्ण कर्म है, काला है, काला मामला है। दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। कृष्ण कर्म है, दो हुआ एक मिक्सचर, आधा बढ़िया आधा गड़बड़, शुभ अशुभ मिश्रित, शुभ अशुभ मिश्रित। और एक कर्म कैसा, न शुभ न अच्छा न बुरा, न अच्छा बुरा मिश्रित, कुछ नहीं साहब, तीनों से अलग, न अच्छा है न बुरा है और ना शुभ अशुभ मिश्रित है, ना अच्छा बुरा मिला हुआ है, तीनों से भिन्न है, और शुक्ल और कृष्ण कर्म है। हाँ, ये मामला है, ये भेद है कर्म का, ये चार प्रकार हैं इसके, चार भेद हैं इसके। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेशाम। तो कर्म
शुभ कर्म है, जो कर्म प्रकृति के अनुकूल है, औरों के हित में है, समाज के हित में है, लोक हित में है, सबके हित में है। हाँ, समाज हित में है, सर्वभूत हिते रता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्त जो भावनाएं हैं ये शुभ पवित्र भावनाएं, मंगल भावनाएं, कल्याणकारी भावनाएं, उदात्त भावनाएं, वसुधा ही कुटुंब, शुभ है, पवित्र है, कल्याणकारी है, मंगलमयी है। और आत्मा की ध्वनि के अनुकूल जो व्यक्ति आचरण करता है वह सब शुभ कर्म है, धर्म कर्म है। विवेक, धैर्य, क्षमा, शांति से युक्त होकर जो कर्तव्य कर्मों का वह सृजन करता है। अशुभ कर्म है, प्रकृति के अनुकूल नहीं है, औरों के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। हाँ, जो हिंसा आदि के कर्म है, पाप आदि के कर्म है, दुराचरण इत्यादि के कर्म है, चोरी इत्यादि के कर्म है, ईमानदारी का पालन न करना, ये सब अशुभ कर्म है, कृष्ट कर्म है, दुखदायी कर्म है, जिनसे क्लेश बढ़ता है, जिनसे दुख बढ़ता है, जिनसे समस्याएं बढ़ती हैं। कपटपूर्ण जीवन से अशांति बढ़ती है, शांतिमय जीवन, सहज जीवन, शांत जीवन अत्यंत आवश्यक है। अशुभ कर्मों से यह अशांति बढ़ती है, ये समस्याएं बढ़ती हैं, ये दुख बढ़ते हैं, ये विपदाएं बढ़ती हैं। जो कर्म प्रकृति के अनुकूल नहीं है, हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, औरों के हित में नहीं है, तो हिंसा के हस्ते के हैं, असत्य के कर्म हैं, अब्रह्मचर्य के कर्म हैं, परिग्रह, हाँ, ये सब कृष्ण कर्म की श्रेणी में आ जाते हैं। जीवन सदैव मानवीय गुणों से मंडित हो, श्रेष्ठ गुणों से मंडित हो, मनुर्भव, ऋषियों ने कहा मानव समस्त मानवीय गुणों से मंडित, हम सबके लिए यह अत्यंत अनिवार्य महती आवश्यकता, सदैव जीवन को शुचिता और पवित्रता के पथ पर आगे बढ़ाना है, जिससे जीवन का यह आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हो सके। वाणी का प्रयोग संयमित होकर, वाणी का प्रयोग नियंत्रित होकर, वाणी का प्रयोग विवेक युक्त होकर, हाँ, ये बड़ी बात है। मनस्येकम् वचस्येकम् कर्मण्येकम् महात्मनाम्, वाणी के रूप में आपको अद्भुत शक्ति मिली है। तो वाणी के प्रयोग में बहुत सावधानी की जरूरत है। वाणी का क्षय बहुत बड़ा क्षय है, वाणी में भी एक प्रकाश है, वाणी में भी एक बल है, वाणी का भी एक ओज है, वाणी में भी एक पराक्रम है, वाणी में भी एक शक्ति है, जिसका उपयोग हम जन कल्याण के लिए करते हैं।
विवेक से युक्त होकर गंभीरता से धीरता से युक्त होकर हम सबको अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे शुचिता और पवित्रता का यह क्षेत्र आगे बढ़े। केवल वाणी ही ना, मन भी उसी के अनुकूल, ऐसा ना हो कि वाणी से मधु टपक रहा हो, मन में मामला कुछ दूसरा चल रहा हो, कैसे चलेगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। खाली वाणी से मधु टपकाने से हो जाएगा, वाणी से रस गिराने से हो जाएगा, वाणी का प्रयोग विवेक युक्त होकर, ज्ञान युक्त होकर, मन भी उसी के अनुकूल हो, तब मामला जम जाता है। साहब, सब समस्याओं की जड़ तो मन है ना, खाली वाणी कहने से क्या होगा। मन अगर श्रेष्ठ संकल्प से है, श्रेष्ठ भाव से पूर्ण है, तो वाणी थोड़े विपरीत हो जाएगी, क्रिया थोड़े गड़बड़ हो जाएगी, मन को पकड़ लेगा तो इन तीनों की गाड़ी ठीक चलेगी रास्ते पर। सीधी सी बात है, इसमें मन को पकड़ लिया है तो वाणी थोड़े गड़बड़ा जाएगी, अक्रिया थोड़े विपरीत हो जाएगी। मनस्से एकम वचस्से एकम कर्मन्येकम महात्मनाम। मन वचन और कर्म से, मन वचन और कर्म से एक अनिष्ठ बनने का संदेश। मन भी श्रेष्ठ विचारों से, हाँ मन में भी समस्त श्रेष्ठ भाव हैं, विचार हैं, संकल्प है, मन भी चकाचक क्लियर है एकदम, हाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, मन में रोग नहीं है। मन रोगी हो जाएगा शरीर भी रोगी हो जाएगा। डॉक्टर कहता रहा कि 80% बीमारी मन के चलते होता। मन मन श्रेष्ठ संकल्पों से है, मन श्रेष्ठ संकल्पों से युक्त है, तो वाणी भी उसी रूप में होगी और क्रिया भी उसी रूप में होगी। सीधी सी बात है, सीधा सा ये मामला है। तो मन को पकड़ना, मन को स्थिर रखना, मन को आत्मा के नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यक। विहंगम योगी यही करता है, विहंगम योग का साधक इसी का अभ्यास करता है। तो जिसका मन नियंत्रित है, संयमित है, वाणी भी उसी रूप में है और क्रिया भी उसी रूप में है, उसकी क्रिया भी उसी रूप में है। मनस्से एकम वचस्से एकम कर्मन्येकम महात्मना। मन वचन और कर्म से एक विहंगम योगी एक निष्ठ हो जाता है। मन भी श्रेष्ठ, वाणी भी श्रेष्ठ और क्रिया भी श्रेष्ठ हो जाती है। ये विहंगम योग का प्रभाव है, ये सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी है। चलते हैं स्वर वेद में, तन्मय होकर स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। ये अमोघ वाणी है, साक्षात के धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्मवाणी है, ये अद्भुत वाणी है, लौकिक वाणी है। तन्मय होकर आप सभी इन दिव्य वाणियों का श्रवण करें।
करीम काम निष्काम हो जैसे कीजे कर्म, करीम काम निष्काम हो जैसे कीजे कर्म। ब्रह्म विद्या की संधि बिन बंधन धोखा धर्म, ब्रह्म विद्या की संधि बिन बंधन धोखा धर्म। जप तप पूजा पाठ, ब्रह्म विद्या के बोध बिनु जप तप पूजा पाठ। यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काठ, यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काठ। अपरा विद्या सर्व जो जग प्रकृति के काम, विद्या परा से प्रभु मिले साधन तारक नाम, विद्या परा से प्रभु मिले साधन तारक विहंगम योग मनोनिग्रह से लेकर आत्मज्ञान एवं परमात्मा प्राप्ति तक की यात्रा है विहंगम योग। अमर हिमालय योगी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी 17 वर्षों की गहन साधना से इस सनातन ब्रह्म ज्ञान को धरती पर पुनर्स्थापित किया है। उनके स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित महान आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल लाभ भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। विहंगम योग में मात्र 10 मिनट के विधिवत साधन से ही अद्वितीय अनुभव होने लगते हैं। विश्व की अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के शोध विहंगम योग की साधना को एक अत्यंत प्रभावशाली ध्यान पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इसके अतिरिक्त विहंगम योग में सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु वैदिक हवन यज्ञ का भी प्रावधान है। सन 1924 में स्थापित इस संस्थान में सदगुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के मार्ग निर्देशन में आज 35 देशों में विभिन्न भेष भाषा जाति धर्म के लाखों लोग अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। प्रोजेक्ट विहंगम के तहत देश विदेश में अनेक सामाजिक सेवा कार्य चलाए जा रहे हैं। पूर्णतः निशुल्क चल रहे विहंगम स्वास्थ्य अभियान शारीरिक ही नहीं मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करते हैं। नशा मुक्ति अभियान से लाखों लोग तंबाकू, शराब व अन्य नशीले पदार्थ छोड़ चुके हैं। मानसिक तनाव से होने वाले अनगिनत रोगों में
विहंगम योग की साधना से विशेष लाभ होता है। विहंगम शिक्षा अभियान के तहत भौतिक एवं नैतिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा सुनिश्चित की जाती है। विहंगम सुधार कार्यक्रम सामाजिक कुरीतियों के निवारण हेतु सतत कार्यरत है। आज 2000 से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थी विभिन्न आवासीय गुरुकुलों में निशुल्क शिक्षा पा रहे हैं। विहंगम लाइफ वर्कशॉप आधुनिक समाज के व्यस्त जीवन में स्वास्थ्य, सुख व शांति का संदेश दे रहा है। विहंगम सुरक्षा अभियान जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान देता है। मातृशक्ति कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण एवं कन्या भ्रूण हत्या निषेध के लिए अनवरत कार्यरत है। वृद्धाश्रम, वृक्षारोपण व गौ सेवा तो सैकड़ों विहंगम योगाश्रमों के अभिन्न अंग हैं। मानव कल्याण के इन अनवरत कार्यों हेतु विहंगम योग संस्थान अब संयुक्त राष्ट्र संघ हैबिटेट से भी मान्यता प्राप्त है। यदि आप भी ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अनूठे ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019।